हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं कि अगर आप अपने शो को ऐसे तौर में संभाल लेते हैं जहाँ पे आईपीएल हो या फिर इलेक्शन हो या फिर कोई ऐसा सीज़न हो जिसमें फैंस का क्रेज़ टीवी पर कम रहता है, तो ऐसे में आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सब बादल हटें और आप एक बड़ा ट्विस्ट दें। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ आपके शशि मैम के शो की, मेरा बालम थानेदार, जिसे आप जो है कलर पर देख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले अंडर स्कैनर में था। अभी खबर आई है कि उस पे से अंडर स्कैनर हट गया है। आईपीएल जैसे टाइम पर उसने काफ़ी अच्छी टीआरपी दी है। ऐसे में आपने देखा कि शो को खींचा गया है कहीं कंपटीशन तो कभी बुलबुल खतरे में। जो मेन था, जो मुद्दा था कि बुलबुल कम एज की है, वो ट्रैक एकदम से दबा दिया गया था, लेकिन अब फिर से वो ट्रैक आने वाला है। वही ट्रैक है सबसे बड़ा इस शो में अब तक का, जो कि टीआरपी को बहुत तेज़ी से लेकर जा सकता है। उसी टीआरपी को बढ़ाने के लिए स्टार प्लस के पॉपुलर शो पांड्या स्टोर सीजन 1 के मेन चेहरा यानी कि क्रिश, जिनकी वजह से पांड्या की टीआरपी बहुत ज़्यादा निकली थी क्योंकि उनकी शादी श्वेता से जो हो गई थी। मैं बात कर रही हूँ मोहित परमार की, जिनका रियल नेम है। उनकी एंट्री होने वाली है शो में। आपको बता दें कि वो पॉजिटिव रोल करने वाले हैं। ऐसे में उनका जो रोल होने वाला है वो एक एडवोकेट का होने वाला है, जो कि भाई कह सकते हैं कि जो बुलबुल का काफ़ी साथ देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में पांडे स्टोर में कृष ने काफ़ी अच्छी टीआरपी निकाली थी। अब देखते हैं कि मेरे बलम थानेदार में वकील के रोल में वो फैंस के दिल में और कितनी जगह बनाते हैं और फैंस उन्हें वकील के लुक में कितना पसंद करते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं मेरे बलम थानेदार की नई कहानी और न्यू एंट्री को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।